जो आना चाहते हैं वो इंटरनेट पे साथ कहते हैं, कितनी सैलरी जो है वो मिनिमम कम से कम वो अपने एक महीने की कमा सकते हैं इस बस ड्राइविंग से? तो यहाँ आपको लाइसेंस लेना कितना मुश्किल है या फिर? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल मोहसिन। दोस्तों इस वक्त जो मेरे पीछे आप एक बस खड़ी हुई नज़र आ रही है, आपको बात करेंगे कि सऊदी अरब में बस ड्राइवर जॉब की कितनी सैलरी होती है और किस तरह से आप इस काम पर आ सकते हैं अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मेरे साथ एक पाकिस्तानी भाई मौजूद हैं जो कि इस बस को ड्राइव करते हैं, इनसे बात करते हैं। ये बसें जो हैं ख़ासकर हाजियों के लिए जो कि उम्रा ज़ायरीन होते हैं उनको मक्का से मदीना के लिए लेकर जाती हैं, तो इस बस पे आपको कितनी सैलरी जो है वो दी जाएगी, इन भाई साहब से भी बात करेंगे। और भी काफ़ी सारे सवालात हैं कि कितने घंटे जो है वो ड्यूटी करनी पड़ती है और यहाँ पे इस बस का लाइसेंस का असूल जो है वो कितना आसान या फिर कितना मुश्किल है। तो जल्दी से चलते हैं जी, आपको मिलवाते हैं भाई साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। भाई साहब सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएँ। मेरा नाम कैसर इकबाल है जी। कैसर इकबाल भाई साहब ज़रा थोड़ा सा ऊंचा भी बोलें और ये बताएं कि आप पाकिस्तान कहाँ से? पाकिस्तान गुजरात से, गुजरात का एक कस्बा है कोटला और वली खान, उधर से। बहुत शुक्रिया सर। ये बताएं कि कितना टाइम भाई साहब आपको हो गया है इस बस को चलाते हुए? ये बस को तो तकरीबन मेरे को चलाते हुए 3-4 महीने हुए हैं। अच्छा, यानी कि आप इस बस वाली फील्ड में अभी आए हैं? जी जी, पहले मैं ट्रेला चलाता था तो अभी जो है वो इस फील्ड में आया। ये थोड़ा सा जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं इस हमारे चैनल को, मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो जो है हम लाते रहते हैं सऊदी अरब के शहर जद्दा से कि किन काम पे आप आ सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं सऊदी अरब आने की। तो थोड़ा सा इस काम के बारे में बताएं कि बस के में इंटरेस्ट जो लोग हैं बस चलाते हैं पाकिस्तान या इंडिया में, अगर वो आना चाहें तो उनके लिए क्या आप पैगाम देंगे, कितना काम जो है ये आसान है करना? जी पाकिस्तान से आना चाहते हैं तो आएँ जी, अल्लाह खैर करे, अपना अपना नसीब का रिज़्क होता है, जो बंदा जितना मेहनत करेगा उतना कमाएगा। सर कितना मुख्तलिफ है पाकिस्तान या इंडिया में बस ड्राइविंग करना और यहाँ पे, इसमें डिफरेंट क्या है, मुख्तलिफ क्या है पाकिस्तान में और इधर में? फ़र्क जो है पाकिस्तान का निज़ाम हो रहा है, इधर का निज़ाम हो रहा है। इधर जो है ये जो लॉन्ग रूट होते हैं तकरीबन समझ लोग जो ट्रिप है लॉन्ग ट्रिप होते हैं, पाकिस्तान तो यही है बस 100 किलोमीटर चला लिया, 150 किलोमीटर चला लिया, उसके बाद जो आराम है। तो इधर जो है वो समझो कि 1000-1000 किलोमीटर भी करना पड़ता है। सर हवा भी थोड़ी सी तेज़ है, थोड़ा सा बस के अंदर जाकर आपसे बात करते हैं क्योंकि शोर भी आ रहा है, शायद हमारे जो नाज़रीन हैं वो सही हमारी आवाज़ जो है वो उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, थोड़ी सी भाई साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इन्होंने हमें वक्त दिया। तो इसके अलावा सर ये बताएँ कि कितनी सैलरी, बहुत से दोस्तों का ये सवाल है कामन, क्योंकि जो आना चाहते हैं वो इंटरनेट पर साथ कहते हैं कितनी सैलरी जो है वो मिनिमम कम अज़ कम वो अपने एक महीने की कमा सकते हैं इस बस ड्राइविंग से? हर कंपनी का भाई साहब अपना अपना जो है वो तरीक़ाकार है, हर कंपनी अपने हिसाब से सैलरी देती है। बिल्कुल। और काम भी जो है वो कंपनियों का अपने अपने तरीक़ाकार के हिसाब से है। जी सर। जिनका काम अच्छा है उनका जो है वो तकरीबन समझ लें कि ये बस में अभी मेरा सैलरी 2000 है और बाकी ट्रिप है, बाकी ट्रिप होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन समझो कि 3000-3500 के करीब जो है ना वो सैलरी आ जाए। ये मक्का से सर मदीना की तरफ या फिर कहीं और शहर से भी आते हैं? जी अपना काम तो जो है वो मक्का मदीना का ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का से मदीना से मदीना और मक्का बस? जी मक्का मदीना उमरे का काम है। ठीक है, उमरे का। और हज पे जब सीज़न आता है तो फिर वो हज पे काम होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये काम 12 महीने जो है वो चलता रहता है? नहीं, बीच में कुछ जब उमरा बंद होता है तो फिर रेस्ट होती है 2-3 महीने। जी जी ठीक है। इसके अलावा सर जो लोग देख रहे हैं उनको ये बताएँ कि पाकिस्तान में अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है तो यहाँ आपको लाइसेंस लेना कितना मुश्किल है या फिर किस तरह से यहाँ पे आकर लाइसेंस इस बड़ी गाड़ी का या फिर बस का बनवाएंगे? पाकिस्तान में लाइसेंस हैवी का होगा तो वो मुश्किल नहीं है, इधर लाइसेंस देख के तो पहले तो ट्राई लेंगे, उसके बाद जो है वो कंप्यूटर पे जो है वो इशारों का जो है टेस्ट होता है वो लेंगे। नहीं, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में बस ड्राइव कर रहा है जो कि इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए मतलब कि आना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इस बस को चलाना इतना मुश्किल नहीं है? बस को चलाना मुश्किल नहीं है लेकिन जो है वो प्रोसीजर में से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, जो इधर का लाइसेंस है वो बनवाने के लिए पहले ट्राई है और ट्राई के बाद जो है वो कंप्यूटर का इधर इशारों का जो निज़ाम है ना वो हर बंदा जो है बहुत मुश्किल है लाइसेंस के लिए। कंप्यूटर पास कर लाइसेंस मिल जाएगा तो फिर गाड़ी तो जो है वो छोटी गाड़ी, तो वो भी लोग देखे हैं जो रक्षे चलाते थे इधर आकर जो है वो हैवी गाड़ियाँ चला रहे हैं। सर अभी आपको आपने बताया कि तकरीबन 3-4 महीने हुए इस काम में, आप पहले किसी और फील्ड में थे, कोई और गाड़ी चलाते होंगे, तो आपका कैसा तजर्बा रहा बस में ये बताएं? जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यानी कि मुतमिन है इस काम से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन है, मुतमिन थे तो इसीलिए इस काम में आया हूँ। बहुत शुक्रिया जी सर। तो आखिर में आप क्या पैगाम देंगे जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं इस वीडियो को पाकिस्तान या फिर इंडिया से, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं बस
के शोबे में जो आना चाहते हैं, इस प्रोफेशन में, ड्राइविंग के शोबे में सऊदी अरब में आना चाहते हैं वीज़ा पे, तो उनको आपका क्या पैगाम है? जी बिल्कुल आए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो है वो समझ लें कि रोज़गार के लिए आना है, रोज़गार के लिए आना है, तो मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो समझ लें कि पाकिस्तान और इंडिया का जो हालात हैं वो सभी के सामने हैं। इस वक्त हालात जो हैं पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा डेंजरस ही चल रहे हैं। जी जी, इधर क्या समझो कुछ ना बचेगा ना, 1000 रियाल भी बचे तो फिर भी 70,000 इस वक्त बचता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने इस टाइम निकाला इस हमारी वीडियो के लिए। तो जितने भी हमारे दोस्त देख रहे हैं उनको यही पैगाम है कि जो दोस्त आना चाहता है इस बस ड्राइविंग में वो आए, कोई मुश्किल नहीं है। इधर प्रोसीजर जो है उस प्रोसीजर से उसको गुजरना पड़ेगा, फिर उसको लाइसेंस भी अपना मिल जाएगा और बस ड्राइविंग की शोबे में इंटरेस्टिंग है तो बस भी चला सकेगा। तो मैं आपको पूरी इस बस का भी विज़िट कराता हूँ, साथ साथ पूरी वीडियो जो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो जो दोस्त इस हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि इस हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल मोशन को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की सऊदी अरब के शहर जद्दा से या फिर पूरे सऊदी से हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो हैं वो लाते रहेंगे और मुख्तलिफ काम की, मुख्तलिफ मकामात की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आपसे शेयर करते रहेंगे। तो सर ये बोल दें हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। जी, इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, और मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए दिन जी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मोहसिन सुहेल की दी इजाज़त। I don't know.